बस कुछ ही देर की बात है संतोषी, फिर ये रसीला फल तुम्हारी जिंदगी में ऐसा जहर खोलेगा। चलिए उठ जाइए और थोड़ा फल खा लीजिए। पुलिस स्टेशन, मिश्रा परिवार में किसी को जहर पिलाकर मारने की कोशिश की गई है। ये अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमें खबर मिली है इनका मर्डर हुआ है। संतोषी ने उसे दूध पिलाया था और उसके बाद फल भी संतोषी ने खिलाए थे। फिर तो हमें इन्हें गिरफ्तार करना होगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि यहाँ एक पेशेंट बहुत क्रिटिकल है। आपके आने में जरा देर हो गई डॉक्टर, पेशेंट की मौत हो चुकी है। देखिए मुझे एक बार अपनी तरफ से चेक करने दीजिए। रुकिए, आप लाश को हाथ नहीं लगा सकते। हम इन्हें पोस्टमार्टम के लिए लेके जाने वाले हैं। आपने इनका चेकअप किया नहीं ना, तो फिर आप इन्हें डेड कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? मुझे एक बार अपनी तरफ से चेक करने दीजिए। वो मर चुका है, अब क्या फायदा डॉक्टर साहब, आप रहने दीजिए। इनकी पल्स थोड़ी वीक है पर ये अब तक जिंदा है। इन्हें बचाया जा सकता है। सच में डॉक्टर, हमने इसकी सांस चेक की थी और वो बंद हो चुकी थी। इनकी सांस रुकी थी लेकिन इनका दिमाग काम कर रहा है, इसका मतलब इन्हें बचाया जा सकता है। संतोषी माँ का लाख लाख शुक्र है, माँ का ही चमत्कार है ये। डॉक्टर साहब हम अब बस जल्दी से इनका इलाज शुरू कर दीजिए। इस इंजेक्शन से और इस दवा से इनकी पल्स नॉर्मल हो गई है, लेकिन आप इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए ताकि इनके आगे का इलाज हो सके। जी। अंकुर तो मर गया था, फिर ये बच कैसे सकता है? किसी के भाग्य को बदलना किसी के हाथ में नहीं होता। आई एम सॉरी, हमारी वजह से जो आपको तकलीफ हुई उसके लिए, हम तो बस अपना काम कर रहे थे। एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, आप इन्हें तुरंत सिटी हॉस्पिटल ले जाइए, इनके आगे का इलाज वही होगा। संतोषी माँ की कृपा से भला टली है, लाख लाख शुक्रिया संतोषी माँ, लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया। अब मुझे निकलना होगा। थैंक यू डॉक्टर। गुलाब जाओ स्ट्रेचर लेके आओ, जल्दी जल्दी करो। देवी संतोष, ये आपने उचित नहीं किया। अब
प्रणाम माती। माती, आज आपकी कृपा से संतोषी बच गई, किंतु जब तक देवी पौलमी का प्रभाव धरती लोक पर रहेगा, संतोषी के ऊपर संकट बना रहेगा। काका हम भी चलें? नहीं बेटे, तुम यहीं रुको, हम अंकुर को ले जाते हैं। आज संतोषी माँ ने अंकुशी को बचा लिया। हाँ बेटी, ये तो संतोषी माँ की महिमा है कि हम इतनी बड़ी मुश्किल से निकल आए और हमारा अंकुर बच गया। इसी बात पे सब बोलो, संतोषी माँ की जय, संतोषी माँ की जय, संतोषी माँ की जय। आज संतोषी माँ के आशीर्वाद से अंकुर जी की जान बच गई। सच में हमें तो लगता है कि देवी माँ ने डॉक्टर के रूप में आके हमारी मदद की। हाँ। देखो संतोषी जी काकी, देखो बेटा, आज जो कुछ भी हो ना यहाँ पर, धैर्य को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। तुम्हें तो मालूम है कि धैर्य काम को लेकर कितना परेशान रहता है। ये सब सुनेगा तो उसे और भी तकलीफ होगी, और फिर ये भी हो सकता है कि वो ये सब जान के मधु और अंकुर को घर से बाहर ही निकाल दे। तुम्हें मालूम है ना, वो तुम्हें परेशान नहीं देख सकता है। संतोषी, संतोषी हमें माफ कर दो। क्या कर रही हैं आप मधु मैडम? अंकुर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए हम घबरा गए। तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कह दिया संतोषी, लेकिन अगर धैर्य को ये सब पता चल गया तो प्लीज संतोषी धैर्य को मत पता। अच्छा कोई बात नहीं, पहले खड़ी हो जाए। हम समझ सकते हैं आपकी क्या हालत हो रही होगी। आप बेफिक्र रहिए, हम धैर्य सर को कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू संतोषी, थैंक यू सो मच। हम जानते हैं कि तुम बहुत ही समझदार हो संतोषी। तुम्हारी जैसी बहू बहुत किस्मत वालों को मिलती है। खुश रहो, खुश रहो संतोषी। और तुम लोग भी ध्यान से सुन लो, धैर्य को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। चलो अब जाओ, तुम लोग अपना अपना काम करो, धैर्य आने वाला होगा। चलो चलते अंदर। आपके कारण आज संतोषी पुनः बच गई, किंतु हमें ब्रह्मदेव के पास जाकर देवी पौलमी के बारे में बात करनी चाहिए, अन्यथा धरती लोक में उनकी उपस्थिति संतोषी के जीवन में प्रत्येक क्षण कष्ट ही देगी। हम शीघ्र ही ब्रह्मदेव से बात करेंगे। अरे शेषनाथ, कौन बोला था वे इतना हीरो बनने को? ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। दीवार चढ़ते चढ़ते दीवार जी की यातास गिर गई क्या कहीं? इतना टीम क्यों लगा रहे हैं? हाय दिया, मेढक की तरह रेंग रेंग के कहा चल रहे थे, थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे? झंडू जग्गा। देखो वहां से आ रही है, जाओ उसके पीछे पीछे जाओ, हम आते हैं, जाओ पकड़ो उसको। हाँ हाँ, सीधा सीधा तरफ। चोर है हम, खतरनाक वाले चोर, आपको क्या भी उड़ा देंगे। मोनाल जल्दी बता, नहीं तो गोरी चमड़ी खुराज खुराज के रख देंगे। हमें हमें छोड़ दीजिए, हमें हमें जाने दीजिए, भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए ना। छोड़ देंगे भगवान के लिए भी छोड़ देंगे, पहले हम तो लूट ले। शर्मिली कहाँ है तू? आवाज नहीं तो खोपड़ी उड़ा देंगे।
अरे देवर जी, तुम तो बिल्कुल भागड़ बिल्ला निकले, खुद ही प्लान बनाया और खुद ही बुढ़िया को। अरे कोई बात नहीं, हम अभी जाके बुढ़िया को निपटा के आते हैं, तुम संभालो। हाँ, हाँ। अरे अंदर जो भी है उसकी खैर नहीं, अरे संभाले रखो इसे, अंदर जो भी है उसको उड़ा के आ रहे हम। अम्मा को तो सल्टा दिया 7-8 घंटे की छुट्टियां। अच्छा संतोषी, तुमने आखिर रिंकू को ऐसा क्या मतलब सिखा दिया है या बता दिया है कि वो इतना अच्छा हो गया? कुछ भी तो नहीं, बस जिंदगी से जुड़ी हुई 2-4 बातें बताई, छोटी छोटी, जैसे दूसरों की बेईमानी बाद में देखनी चाहिए, पहले ये सोचना चाहिए कि हम खुद कितने सच्चे हैं। शायद यही बात उसके दिमाग में घर कर गई है और आजकल हर बात में बहुत ईमानदारी बरतता है। ये तो वाकई तुमने अच्छी चीज सिखाया उसे, काफी अच्छा लेसन दिया। अच्छा तो आप क्यों नहीं बांध जाते ये सारी बातें? मैंने क्या गलत किया, क्या चीटिंग की? अच्छा तो चलिए, अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, आप जो कंपनी खरीदने वाले हैं उसमें कोई बेमानी नहीं? एक भाई दूसरे भाई से छुप छुपा कर कंपनी बेच रहा है, खरीद रहा है, तो बेमानी तो हुआ ना? क्या हुआ? क्या क्या हुआ मतलब, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? अरे कितनी बार समझाया, ये मेरा बिजनेस है, बिजनेस का तरीका होता है चीटिंग, मैं नहीं चीटिंग, उसका भाई कर रहा है। और अगर कंपनी मैं नहीं खरीदूंगा ना, कोई और खरीद लेगा, ये बिजनेस है, बिजनेस, वैसे बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस में प्रॉफिट देखा जाता है, बल्कि ये तुम्हारी जो बातें है ना इसकी कोई वैल्यू नहीं। ये तो वही बात हुई ना कि जहर बेचने वाला व्यापारी सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचे, सामने वाला इंसान जीतता है या मरता है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कैसा व्यापार हुआ ये? मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी संतोषी, कोई बहस नहीं करनी, प्लीज जस्ट शट अप, इनफ इज इनफ। और हाँ, आइंदा से मेरे किसी भी बिजनेस के मैटर में ना तुम कुछ मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रजापति, देवी पौलमी। प्रजापति, देवी पौलमी, पुनः धरती लोक पर जाकर हमारे भक्तों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है, उनके ऊपर दंड का कोई प्रभाव नहीं हुआ है, कृपा कर आप उन्हें सचेत कर दीजिए कि वो ऐसा ना करें। देवी संतोष, आप देवी पौलमी पर अत्यधिक गंभीर आरोप लगा रही हैं। हम देव सभा में उनसे इसका स्पष्टीकरण अवश्य मांगेंगे। ये कैसे हो गया? तुम लोग तो इसे पकड़ के रखे थे। नकली बंदूक से दरोगा की बेटी को डरा रहे थे। हमसे गलती हो गई भैया, गलती हो गई। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, हम पहले माफी मांग चुके हैं, अब बदले में हमको ये डंडे मिले हैं। अब जल्दी से बताओ तुम हो कौन, नहीं तो ना मोर मोर के भूता बना देगा। अरे हम बता रहे हैं, हम तुम्हारे पापा हैं, यानी तुम्हारे ससुर जी, अम्मा जी।
अरे अब उतार दो, कोई फायदा नहीं है। अच्छा तो आप लोग हम इतने भी अच्छे नहीं है कि बार बार आपकी गलती माफ करते रहे। इस बार तो आपको आपकी नानी याद दिला कर ही। आप कहाँ जा रहे हैं ससुर जी? एक भाई दूसरे भाई से छुप छुपा कर कंपनी बेच रहा है, खरीद रहा है, तो बेईमानी तो हुआ ना। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो हमेशा? अरे कितनी बार समझाया, ये मेरा बिजनेस है। बिजनेस का तरीका होता है चीटिंग, मैं नहीं चीटिंग, उसका भाई कर रहा है। धैर्य सर, सिर्फ अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे बल्कि अपनी ईमानदारी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आजकल इतने गुस्सैल हो गए हैं कि कुछ समझाना भी मुश्किल हो गया है। मैम मैं पानी दे दूं? पानी इधर उधर गिर रहा है। धैर्य मिश्रा जी यहीं पे रहते हैं क्या? साहब अभी घर पर नहीं है, बाद में आना। देखिए मुझे उनसे मिलना है, प्लीज। अरे मैडम आप ये क्या कर रहे हैं? गुलाब जी जरा ये आप पकड़िए, खोलिए प्लीज। अरे मैडम आप क्या कर रहे हैं? अरे मैडम नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, खोलिए। अरे मैडम आप ये क्या कर रहे हैं? खोलिए। क्या हुआ? मैडम ये धैर्य सर से मिलना चाहती है लेकिन धैर्य सर तो घर पर है ही नहीं। कोई बात नहीं, आने दीजिए ना। जी वॉचमैन की गलती के लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। देखिए हमारा नाम स्वाति है, धैर्य जी से मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि वो कुछ ही दिनों में एक डील फाइनल करने वाले हैं। देखिए धैर्य सर तो घर पर है नहीं, वैसे हम उनकी पत्नी हैं। ओह तो आप हैं उनकी पत्नी। एक तरफ आपके पति जो इतनी बड़ी गलती करके मेरे बच्चे और मेरा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो एक छोटी सी गलती के लिए माफी मांग रहे हैं। क्या समझूं मैं इसे? देखिए नए सौदे में हमारा कोई हाथ नहीं है, हम तो खुद नहीं चाहते कि ये सौदा हो। हम अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो है कि मान ही नहीं रहे। संतोषी जी प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, आप नहीं जानते मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था लेकिन पति की मौत के बाद सब बर्बाद हो गया। जिस कंपनी को आपके पति खरीदने वाले उसकी हिस्सेदार मैं हूँ, लेकिन हस्बैंड की डेथ के बाद बड़े भाई ने उस पर भी कब्जा कर लिया, उसका हिस्सा भी मुझे नहीं दे रहे अब वो। प्लीज अब अपने पति से कहिए कि वो कंपनी ना खरीदे वरना मेरा बचा कुचा परिवार भी बिखर जाएगा। प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? चलिए उठिए, इसे लीजिए। ये मेरा बेटा है, अगर कंपनी रहेगी ना तो मैं कैसे भी करके अपना हिस्सा ले लूंगी, लेकिन अगर बिक गई ना तो मैं कहाँ लेके भटकूंगी इसे। आप भी एक औरत हैं, आपका भी बच्चा होगा, आप मेरा दुख अच्छे से समझ सकती हैं। जो भी होने वाला था ना मैं इतनी खुश थी, लेकिन आज जब इसके भविष्य के बारे में सोचती हूँ ना मेरा दिल कांप उठता है। आप चिंता मत कीजिए, हम धैर्य सर ये कंपनी नहीं खरीदेंगे। थैंक यू सो मच संतोषी जी, आपने मेरी इतनी बड़ी परेशानी हल कर दी, थैंक यू सो मच। स्वाति जी हम आपकी स्थिति समझते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, मैं चलती हूँ। दीदी ये लेडी कौन थी? दो भाइयों में से एक की पत्नी थी जिसके पति की अभी अभी मौत हो गई है। कौन से दो भाई? वही जिसकी कंपनी धैर्य सर खरीद रहे हैं। धैर्य सर बहुत गलत कर रहे, समझ नहीं आता कि तुम लोग मिलकर धैर्य सर को समझाते क्यों नहीं। दीदी
लेकिन जीजू ने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की है और ये कंपनी बहुत प्रॉफिट में है अभी। एंड वन मोर थिंग दीदी, हम ये डील बहुत ही रीजनेबल रेट पे क्रैक कर रहे हैं। तुम सबको अपना अपना फायदा दिख रहा है ना, लेकिन उस औरत का क्या जिसकी अभी अभी पति की मौत हो गई? सर से पति का हाथ तो चला गया, अब छत भी चला जाएगा। उसके बच्चे के भविष्य का क्या, कभी सोचा है? और ये सौदा बहुत फायदे का लग रहा है ना बबली, जानती हो क्यों? क्योंकि इस सौदे में बेईमानी है, खरीदने में भी और बेचने में भी। ये कंपनी बहुत सस्ते में मिल रही है ना, क्योंकि बेईमानी से खरीदी और बेची जा रही है। अगर ईमानदारी से होती तो तुम भी जानती हो ये डील बहुत महंगी होती। हम जानते हैं कि व्यापार में तरक्की करना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर तो नहीं। हम नहीं चाहते कि इस औरत की बद्दुआ हमारे पति को लगे। दीदी देखिए, मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ? अगर मैं जीजू को कुछ भी कहूंगी तो वो मेरे पे ही भड़केंगे ना। तुम चिंता मत करो, अब इस मामले में जो करेंगे हम ही करेंगे। और कुछ भी हो जाए, ये कंपनी हम धैर्य सर को नहीं खरीदने देंगे।